चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना क्षेत्र के अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तीन गंभीर को उदयपुर भी रेफर कर दिया गया है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर आगे चल रही बस को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी और हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने भी अब हादसे की पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई है हादसे में, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी पूरी तरह से शुरू कर दी है। आपको बता रहे, अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर यह दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं जिनका लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ से आपको हादसा बता रहे हैं जहां पर अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता सलमान फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी सलमान, बताएं कैसे हुआ ये हादसा, क्या कुछ बताएं। देखिए लविना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हादसा हुआ सुबह का है, यानी करीबन 9:15 का हादसा है। ये शंभूपुरा थाना क्षेत्र के अरनिया पंथ गाँव है, वहाँ पर ओवर ब्रिज के ऊपर जब लोक परिवहन बस की गुजर रही थी, पीछे से एक ट्रेलर ने उसको टक्कर मार दी जिसमें दो महिलाओं की डेथ हो गई और एक को अभी उदयपुर रेफर करते समय रास्ते में उसने बंदे ने एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा लगभग 12 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाजपा की ओर से विधायक यहाँ चंद्रवंशी आकिया भी पहुंच चुके हैं जी। और इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा भी यहाँ पर आ चुके हैं। अस्पताल में सभी लोगों मरीजों से मिल रहे हैं जी। सलमान, ये बताएं कि जिन घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है उनकी स्थिति में क्या कुछ है बताएं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर है वहाँ घायलों में बाल बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वो भी घायल हुए हैं। और जो हर संभव यहाँ पर विधायक ने भी यहाँ हिदायत दी कि सभी तरह के भाई किसी भी तरह से जो इलाज है वो सभी तरह निःशुल्क हो जाए और जो ज्यादा से ज्यादा हो सके उन मरीजों का यहाँ इलाज वो कहीं बाहर नहीं भेजा जाए। तीन वहाँ उदयपुर भेजे जिसमें एक की डेथ हो गई है जी। जी जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, चित्तौड़गढ़ से आपको हादसा बता रहे थे जो अरनिया पंथ ओवर ब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।